हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे लंबा पुल चाइना ने बनाया है। इस पुल का नाम द डयांग कोशांग ग्रैंड ब्रिज है। इस पुल को बनाने में इंजीनियरों ने कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है कि रास्ते में आने वाली हर तरह की ज़मीन पर यह पुल मजबूती से खड़ा रह सकता है। ब्रिज बनने की शुरुआत, पुल की फाइनल डिज़ाइन की मंजूरी 2006 में हुई थी और उसी वक्त इसका काम शुरू हो गया था। इसे बनने में तकरीबन 4 साल लगे। इसमें लगभग 10,000 मजदूरों ने बिना रुके बिना थके लगातार काम करके बनाया है। ब्रिज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब दर्ज हुआ? यह पुल शंघाई और नांगजिंग के बीच स्थित 164.8 किलोमीटर लंबा है। यह एक तेज गति वाले रेल के लिए है। दियांग नदी से डेल्टा को पार करता है। दियांग से लेकर कोशांग तक यह पुल फैला हुआ है। यह पुल जून 2011 में सबसे लंबे पुल के रूप में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह पुल 102 मील लंबा है। इस पुल को बनने में कितने पैसे लगे थे? यह शंघाई और नांगजिंग के बीच जियांगसू प्रांत में बना है। यह पुल बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे से जाता है। यह 4 रेलवे पुलों में से एक है। इसे बनाने में लगभग 8.5 से 10 मिलियन डॉलर के बीच का खर्चा आया है। ब्रिज की ओपनिंग 15 नवंबर 2010 को यह पुल बनकर तैयार हुआ था, मगर लोगों के लिए इसे 11 जून 2011 को खोला गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।